तो कितनी चटपटी बनी है हमारी ये मिर्ची फ्राई की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, राजीव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिर्ची फ्राई की रेसिपी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस प्रकार की रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 10 से 12 हरी मिर्च लिया है और उसे इस प्रकार से बीच से इसे चीरा लगा के दो भागों में इसे कट कर लेंगे, ताकि हमारा जो मिर्ची फ्राई होने के बाद इसके अंदर जो मसाले नमक जाएंगे बहुत ही अच्छे से इसमें कोटिंग हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमने सारे मिर्च को इस प्रकार से बीच से चीरा लगा दिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे चीरा ध्यान से लगाएंगे, चाकू आपके हाथों को ना लगने पाए। तो इस प्रकार से हमने चीरा लगाया है, तो सारे मिर्ची को हमने इस प्रकार से कट कर लिया है। तो ये देखिए, हमने सारे मिर्ची को इसी प्रकार से कट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें तेल डालेंगे थोड़ी सी, और तेल को हम फैला देंगे इस प्रकार से। उसके बाद हम तेल को हीट होने के बाद हम इसमें मिर्ची को डालेंगे बारी बारी से। सारी मिर्ची को हम इकट्ठा फिर डाल देंगे और इसे बगैर कवर किए हुए इसे पकाना है। और यहाँ पे आप चाहे तो चूल्हे को तेज फ्लेम पे भी इसे पका सकते हैं। तो हमने तेज फ्लेम पे इसे पकाया है, बहुत ही जल्दी ये पक भी जाएगा 1 से 2 मिनट में। तो ये देखिए, इसी प्रकार थोड़ी थोड़ी प्रेस कर दें ताकि ये जो है अच्छे से और जल्दी पक जाए। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये मिर्ची पकड़ा है फ्रेंड्स। हमें इसे मिर्ची को बिल्कुल ज़्यादा सौगी नहीं करना है, इसको थोड़ी सी क्रंचीनेस रखनी है, ज़्यादा पकाएंगे नहीं। तो ये फाइनली हमारा देखिए इस प्रकार से हमने रखा है, इतना पका हुआ। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, उसके बाद हम चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला ये लगभग हमने आधी चम्मच लिया है, कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। ये हमने जलजीरा डाला है, आप जलजीरा की जगह पर आमचूर पाउडर, लवण भास्कर का चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नींबू हमने डाला है, नींबू आधी से भी कम हमने नींबू डाला है इसमें। उसके बाद थोड़ी सी हरी धनिया डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी मिला सकते हैं, लेकिन हाथों से मिलाने से क्या हाथ में इसका तीखापन लग जाएगा, तो इसीलिए हमने चम्मच से मिलाया यहाँ पे। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसे मिल गया है, ये अच्छे से कोटिंग भी हो गया। अब हम इसे सर्व के लिए निकालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया से इसका कोटिंग हुआ है फ्रेंड्स, तो है ना बिल्कुल लाजवाब टेस्टी। तो कैसी लगी ये मिर्ची फ्राई की रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन का दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।